उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार आज अपने दूसरे कार्यकाल में वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट पेश करेगी। बजट के केंद्र में भाजपा का लोक कल्याण संकल्प पत्र और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की झलक दिखने की संभावना है। इसके अलावा हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में जनता से किए गए वादों को निभाने पर जोर होगा। वित्त वर्ष 2022-23 के बजट का आकार 6.10 लाख करोड़ रुपए पार करने की संभावना है। यह अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा। बता दें कि पिछला बजट 5.50 लाख 270.78 करोड़ रुपए का था। सुरेश खन्ना ने बुधवार को बजट को अंतिम रूप दे दिया। सदन में पेश किए जाने से पहले बजट को कैबिनेट की बैठक में पास कराया जाएगा। बता दें कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव में लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया था। सूत्रों का कहना है कि इस बजट में संकल्प पत्र के वादों को पूरा करने पर ध्यान दिया जा रहा है। ज्यादातर वादों पर अमल की घोषणा किसी न किसी रूप में किए जाने की उम्मीद है। सरकार का पिछले कार्यकाल के पहले बजट की तरह दूसरे कार्यकाल के पहले बजट का फोकस भी किसानों पर ही रहने की संभावना है। 2017-18 के बजट में किसानों की कर्ज माफी की गई थी। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के कारण चुनाव से पूर्व प्रदेश सरकार पूर्ण बजट नहीं प्रस्तुत कर सकी थी। बीते साल दिसंबर में 4 महीने का लेखानुदान सदन में प्रस्तुत किया गया था ताकि जरूरी खर्चे का प्रबंध हो सके। इस बजट में प्रदेश सरकार के संकल्प पत्र की सबसे अहम घोषणा और किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दिए जाने के संबंधी वादे को पूरा करने का ऐलान किया जा सकता है। सरकार इस बार भी इससे पूर्व बनी सरकार की तरह अपने पहले बजट को किसानों पर केंद्रित रखेगी। इसका संकेत बुधवार को वित्त मंत्री ने दिया है। पिछले 2 वित्तीय वर्षों के बजट के साथ ही खन्ना चालू वित्तीय वर्ष के लिए पिछले वर्ष 16 दिसंबर को 4 माह का लेखानुदान पेश कर चुके हैं। बजट के जरिए किसानों, महिलाओं और युवा वर्ग को साधने की पुरजोर कोशिश कर रही है। बजट में केंद्रीय योजनाओं का आवंटन बढ़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।